आप जी सारे गुरु नानक का परिवार हो, दास का ही परिवार हो, ये सारे शरीर मेरा अपना ही परिवार है। आप जिया के चरणों दास बेनती करना चाहता है कि जिदा रोज आप वाहगुरु की अकाल पुरख की जात जुड़ते हैं, बड़ा रस आनंद बनता है। संसार मलीन कर्मा करके बंदे का जोड़ा सुभा है वो रुखापन कौड़ापन और अनेक ही गिरावट आ चुकी हैं मनुखे जीवन। आप जी सारे रोज पढ़ दे मारे कहते हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा। उस वाहिगुरु नू सारिया का पता है राखा एक हमारा स्वामी शकल कटाका अंतर जम। उस दाते नू सारिया का फिक्र है। दास जो बेनती करन लग्या वो मेरे अपने जीवन का एक प्रैक्टिकल है। तुसी कच्चिया घरां तो पक्कियां तक का सफ़र किया, आपां सारे जिन्ने भी हाँ आपां कच्चिया घरां तो मीह आ जाना, कोठे च हो जाने, रसोईयां च हो जानियां, विड़ा कच्चा हो जाना, जाने कि जिहड़ा सफ़र आपां कच्चे मकाना तो पक्कियां तक का सफ़र अज के युग च नाम जपना बड़ा आसान है। सुविधावां बड़िया ने, टीचर बड़े ने, लैक्चर बड़े ने, नैट के विज्ञान के युग करके इंटरनैट पर कोई भी यहोजी चीज़ नहीं जो सानू सोशल मीडिया पर ना मिले। परंतु दास एक यहोजे दौर चो गुजरे है, ध्यान ना सुनियो, एक्सपीरियंस दसना, एक अपने जीवन का हिस्सा दसना, ओदी पेन ओदी तकलीफ ओदा एहसास ओही प्राणी नूं हुंदा है जिहदे ते वापरिया हुंदा है। सुन लेना पढ़ लेना एक अलग है। वो दौर से जदों अपने घर कच्चे होंदे सी, जो नाम जपण वास्ते जगह की लोड़ सी ना, हुण पहलों जे चार भरा होंदे सी तो चार ही कमरे होंदे सी, जे पंज ही तो पंज ही कमरे होंदे सी, एक कमरा सारिआं नूं आउंदा है। हुण तो चलो वाहिगुरु की बड़ी कृपा है, दुनिया बहुत तरक्की की है हर पन्नों, हुण घर वड्डे वड्डे आ, बच्चे सवा सवा लख है जी। उदो भाई बहुत सारे होंदे सी, मकान कमरा एक एक हुंदा सी, तो जिवें परिवार पिता जी होने परिवार ने इकट्ठे रहना, इस करके जिहड़ा घर विच मैनू भाल करदिआं भी कमरे दी लोड़ सी जिथे बह के नाम जप सकीए। हुण जिन्ने भाई चार कमरे, तो संगत जी एक कमरा हर परिवार विच ना रूम एक छड़िया जांदा सी जिहदे विच माइयां दा सुभाव हुंदा सी, पड़ोले दाणे वाले, दाणे वाले बड़े बड़े पड़ोले, तो उहनूं आपां स्टोर कह छड़दे सी। माता होणां ने स्टोर जिथे दाणे जां बुढ़ियां नूं बीबियां नूं पुराने पेकियां तो जिहड़ा दाज दूज मिलिया हुंदा, दरियां दुरियां रजाइयां तलाइयां ही हुंदियां बेचारियां कोल, जां पतीले भांडे पित्तल दे,
वह सारे माइयां नूं शौक हुंदा अज भी बीबियां होणगियां जो अपने पेके घरों समान लिआंदा होवे बड़ा सांभ के रखदियां तो उन्होंने सारा एक पास स्टोर विच रखिया होना और उत्थे स्टोर च जिवें पेटियां दा समान ट्रंकां दा समान तो आपां जिमीदार हैगे आ उत्थे भी स्टार्टर बिजली दा समान क्योंकि रूम ही स्टोर से कच्चा जिहा ही उहदे विच ही जिवें आलू गठे गंढे भी बीबियां भैणां की करना भी उस स्टोर वाले रूम विच ही गंढे रख देने आलू रख देने संभाल के रखने तो दास नूं वह कमरा मिलिया सी जप करन वास्ते भजन करन वास्ते जदों सवेरे अमृत वेले जाप करना रात नूं जाप करना चूहे चूहे जिहड़े हुंदे भज्जे फिरदे हुंदे सी रोज़ दर्शन करते गणेश भगवान के उन्हें रोज़ तुरे फिरन आले दुआले मैं कचो एक कोई गल नहीं सुनिया भी चंगे होंगे है देखो अज उस टाइम टीचर भी नहीं है रस्ता दर्शन वाला भी नहीं है तड़फ इन्नी है कि जिवें मच्छी नूं पानी चो कढ दिए तो उहदा उहदी दशा तुसीं सारे जानदे हो मच्छी की हालत की होंगी वह समा दास ने अपने पिंड ते अपने मन ते हंडाया सारी सारी रात जागना दिने स्कूल भी जाना और संगत जी सारी सारी रात परमात्मा की जाच तड़फते रहना जो मैं गल दसन लगा ध्यान ना सुनियो देखो स्टोर वाले रूम च बहना बड़ा कठिन होंदा है जिथे गठे पे हो आलू पे हो उन्हां दी अपनी स्मैल जां पड़ास इन्नी होंदी है भी बहना औखा होंदा तो जदों एक साल जपया दो साल जपया मैं तीन साल वह कमरे के विच कट्टे तीन साल पूरे तुसीं यकीन करियो गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी है संगत जी अभ्यास करते करते एहो जिहा समा आ गया सी कदे भी उस रूम दे विचों स्टोर दे विचों ना कदे गंढियां दी ना कदे आलूआं दी ना किसी चीज़ की स्मैल आई हमेशा नाम की खुशबू आती होंगी सी एक बचपना दूजा अकल बोध इन्ना ज्ञान नहीं सी हमें कहिए इन्ना ज्ञान नहीं सी बचपना और आले दुआले भी देखना है भी शायद माता ने कुछ रखता हो परिवार ने कुछ रखता हो बच्चा नाम जपदा आले दुआले देखना ऐसो जी कोई चीज़ नहीं सी अज भी एक देव दर्शन धूफ है डब्बी उस समय च 5 रुपये की मिलती होंगी सी तो जीवन अज भी मैं लाना इन्हें मैं छड़ती दुनिया कुछ कहें पर अपना कर्म नहीं छड़ी कद भी किसी पिछे लग के संगत जी आप अज भी धूप दीप अपने बापू नूं अपने इष्ट नूं मुरछत नूं करते हैं जब तक सा नहीं करते रहेंगे तो वह 5 रुपये की डब्बी धूप लिया के मैं अपने हाथों ना वट के लाउणी हमेशा वह खुशबू जिहड़ी सी ना वह खिलर दी होंदी सी उदाहरण जिदा आप शुरूर कह लें नशा कह लें उदा नशा इन्ना सी तो मैं खुशी इन्नी होंदी सी कि कुछ है अज समझ आती है जो तुसी नाम जपोगे ना तुहानू अपने कोलों खुशबू आनी शुरू होगी ये संकेत है वाहगुरु नेड़े दूसरा तुहाड़िया अखां चो हंजू चलने शुरू होंगे तीसरा तुहाड़ी जिहड़ी बॉडी है कई विकनस करके बासियां बहुत आदि कई बख्शिश करके आदि और चौथा कई शरीर हिलद ज अगे पिछे हिलेगा जो साधन साधक का शरीर हिलद है ना तो समझ लो कि कोई ना कोई जड़िया परमात्मा दियाँ ताकत ने वो तुहाडे बड़ी क्लोज ने परमात्मा तुहानू बहुत प्यार करता रब तुहाडे नेड़े आ रहा है जिमें आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ विराग च बदल जाएगी विराग फिर तड़फ फिर आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ ने उस मार्ग ने इस वाहगुरु वाहगुरु ने प्रकाश चले जाना
जिवें आ बल्ब जगदा ना तो बल्ब जगया हनेरा गायब। इस तरह जदों वाहगुरु का शब्द साडे अंदर जगेगा ना तो साढ़े अंदर जन्मां जन्मां की काल जन्मां जन्मां की मैल आ जानी जिवें नदियां चल दियां। तो तुसी इन्ने पाक इन्ने पवित्र इन्ना सुकून इन्ना हौला फील करोगे तुसी खुद कहोगे कि भाई मेरा तो दूजा जन्म होया। सो मैं बेनती करना कदे भी डोलना भड़कना तड़कना नहीं चाहिए, किसी के पिछे नहीं लगना चाहिए, वो पिछे लग के श्रद्धा खराब कर ली, ओनू सुन लिया दूजे तीजे नू सुन लिया, अपनी अपना नित दा कर्म तुसी छड़ दिंदे हो। इत्थे जाके लोग समस्या तो मार खांदे ने। जो तुसी कर रहे हो कर्म वो कदे ना छड्डो, कोई कुछ कहिंदा फिरे, अपना नेम ना छड्डो। नेम तो ही परमात्मा ना प्यार उपजदा है, वो प्यार होएगा रब नू ते आना ही पएगा ना, वो आएगा जरूर आएगा हुंदा। दूसरा कि जीवन दे विच अपने जीवन दे विच अपने आप नू सानू खुद बदलना पैंदा है। आहिस्ता आहिस्ता उगना नू छड्ड दो, नाम जपी चलो जपी चलो, ये नहीं ढाई घंटे ही बहना भाई, अद्धा घंटा बह लो, नहीं बैठ सकते 15 मिनट भी बहुत होंगे ने, 15 मिनट बहुत है, बवो। पर जिदन अमृत वेला आएगा ना उदन दियां गल्लां होर ने। संगत जी बड़ी कृपा उहदे घर, बड़ी बख्शिश है, बड़ा तरस है, बड़ा प्यारा है रब, बहुत दयालु है। वह तो रमिया पिया है, रमिया पिया साडे शरीर दे विच, साडे जीवन जिहड़ा श्वास है ना सा भलियो, जे मैं सीधा सीधा बोला सा ही रब ने श्वासा नू कंट्रोल विच लियाओगे, श्वास साडे कंट्रोल च होणगे, समझ लो कि सानू परम समाधि परमात्मा मिल गया। जब तक सानू अपने प्राणा ते कंट्रोल करना नहीं आउंदा तद तक असी भड़कदे ही रहांगे। अपने मुरशद नू धूप दीप करो, साधना करो, आनंद लो जिन्ना लै सकदे हो, डोलो ना इधर उधर ना देखो। अज तो 30 साल पहलों चले जाइए, 30 साल बैक, 30 साल बैक, उदों संत महाराज बाबा सुंदर सिंह जी महापुरश, संत महाराज बड़े तपस्वी, हरखोवाल वाले महापुरश, बाबा ज्वाला सिंह जी होती मरदान संपरदा, बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरां वाले महापुरश, संत महाराज बाबा ईश्वर सिंह जी लड़ा साहब, संत महाराज बाबा अत्र सिंह साहब जी मस्तुआना साहब, इन्ने कु गुरमुख प्यारे सन। जिवें अज भाई मणि सिंह नहीं लभूगा सानू, अज भाई गुरदास जी नहीं लभणगे सानू, अज सानू बाबा श्री चंद जी नहीं लभणगे, अज सानू बाबा दीप सिंह जी नहीं लभणगे, पहला वो मामा दियां कुखां भी धन सन जिन्हां तों हरू सिंह नलूए वर्गिया ऐसे ऐसे योधिया जन्म लिया, शहीदां जन्म लिया, अवतारा गुरसिखां जन्म लिया। अज ऐसिया मावां भी जगत घट मिलनगियां, संतां दी छड्डो। अज तो 30 साल बैक कुछ मां पुरश सन जिन्हां नूं मिल के सुकून आनंद रस आउंदा हुंदा सी, अज संतां दी कमी नहीं, डारां दियां डारां ही ने, बहुत डारां ने, पर सुकून भोरा नहीं लोकां नूं। संगत जी जीवन किसे किसे दे हिस्से आया, फकीरां दी दुनिया च कोई कमी नहीं, डारां दियां डारां ने, परंतु उदों महापुरश टावे टावे सन लोकां दे विच, बाहर दा ज्ञान घट सी, अंदरला ज्ञान बड़ा सी, क्योंकि उदों बाहरलियां लोड़ां घट सन, लोग अंदर नाम जपदे सी, सबर सी, सुकून सी, संतोख सी, दया सी, प्यार सी, रिश्तियां च भी कुदरती प्यार सी, लगाव सी। अज बाहरलियां लोड़ां ज़्यादा ने, अंदर दी लोड़ ही नहीं किसी नूं, अंदर जाण दी लोड़ नहीं, नाम जपन दी लोड़ नहीं, बंदा बाहर ही दौड़ धूप कर रहा। जेकर अज दे युग च तुसीं अंदर जाना सिखोगे, देखो पुराने महापुरशां दर्शन करने हुंदे सी, बाबा मणि सिंह जी वर्गे, बाबा दीप सिंह साहब जी वर्गे, आह बाबा अत्र सिंह साहब जी, संत महाराज बाबा ज्वाला सिंह जी, किन्नी उन्हां दी कमाई, काल, तपस्या। अज महात्मा दी कलयुग दे विच कोई कमी नहीं,
किलोमीटर ते अस्थान मिलनगे पर लोकां दा जीवन नहीं मिलेगा। जीवन थले जा रहा, जाना उच्चा चाहिए ईश्वर, परंतु जीवन थले जा रहा। क्यों? क्योंकि पदार्थों का युग है। असी जुड़ना रब नाल सी, नाम नाल सी, असी शरीर नाल अटैचमेंट कर ली, शरीर नाल जुड़ गए। मैं फिर दोबारा बेनती करा, जो रब का नाम जपोगे ना, रब नूं एक गल जरूर कह करो, परमात्मा जे पंज भौतिक शरीर दिता है ना, जन्म दिता, तो जीवन जरूर दें। अज नहीं तो कल सानूं दर्शन जरूर दें, साडा लोक ते साडा परलोक सफल हो जाए। सो इन्हां को मेरियां बेनतियां, आप जी स्वीकार करो। कल नूं भी बहुत सारे अनुभव भरे बचन ने जो आप जी दे चरणों हाजिर करांगे, और मैं उम्मीद करदा कि कल नूं आप जी ने इसे प्रकार बढ़ चढ़ के दर्शन दे के गुरु ग्रंथ साहिब जी दियां, गुरु नानक पातशाह जी दियां शहीदां दियां, गुरु गोबिंद सिंह महाराज माता साहिब देवा जी दियां, बाबा श्री चंद जी दियां खुशियां माननियां। और हाँ, जे किसी दे मन कितना दा भी क्वेश्चन आउंदा है, पुछना चाहुंदे हो, तुहानू फुल अधिकार है, पुछ सकदे हो। कल नूं कोई भी पुछना चाहे, चाहे प्रति दे के पुछ लो, पुछो जरूर। इस चीज़ दे गाहक हैं, इस चीज़ दे व्यापारी हैं, बड़े रगड़े खा के चीज़ लई है। तो संगत जी, जीवन दे विच मैं चाहुंदा कि परमात्मा कृपा करे, सब दा जीवन होवे, सारियां दी अखां च निरंकार होवे, सारियां दे अंदर प्यार होवे, सारे एक वर्गे इको बाटे दा अमर छक के तुरदे आं, इको दे धीआं पुत्तर बन के जीवीए। नाम साडा जन्म ते मरन कट दिंदा, नाम आह बंदे नूं अमर कर दिंदा। नाम डंगरां तो पशुआं तो देवते बना दिंदा, देवते। गुरु कृपा करे, आओ समां ना बर्बाद करो। काले चले गए, चिट्टे आ गए आ, तो चिट्टियां दा भी नहीं पता लगना किधर गए आ। वेला सांभ लो भाई, बार बार दुनिया ते नहीं आना, गुरु कृपा रखे। आओ अरदास हुक्मनामा गुरु पातशाह जी दा, अते आप सारियां संगतां दी किरत कमाई दे विचों लंगर प्रसाद भोग हाजिर है, छक के जाणा है जी। और जिहड़ियां संगतां देश प्रदेश दियां अपनी दसां नूहां दी किरत कमाई दे विचों गुरु के लंगरां वास्ते, अखाड़ा साहिब जी दी चढ़दी कला वास्ते, अपनियां महंगाई दे युग विच सेवा देंदे हन, उहनां दा कल नूं सन्मान कीता जाऊगा। इन्हां कु भाई बेनतियां प्रवान करियो, आनंद माणो, लाहा लो, लोक ते परलोक सफल करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का।